Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about some MCQs on classical traditional thinkers, which is Emile Durkheim, Karl Marx and Max Weber. तो आप सभी का स्वागत है डॉक्टर ऑफ सोसाइटी में. इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ MCQs जो कि हमारे शास्त्रीय परंपरागत विचारकों से संबंधित हैं, जिसमें हम इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर जैसे विचारकों का अध्ययन करेंगे और MCQ सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. क्वेश्चन नंबर वन इज What is Emile Durkheim often referred to as? Options देख लेते हैं. Father of sociology, grandfather of sociology, the sociological maverick and the anthropological pioneer. क्या आंसर होना चाहिए इसका, क्वेश्चन नंबर वन का? तो क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर है, दैट इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. देखिए इसका आंसर ये क्यों है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस. फर्स्ट फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो माने जाते हैं, दैट इज ऑगस्ट कॉम्ट, बट एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज इमाइल दुर्खिम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुर्खिम इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन. जो दुर्खिम है वो अपनी कौन से कार्य के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म या फेमिनिस्ट थ्योरी. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. तो दुर्खिम माने जाते हैं फॉर फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवादी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, व्हाट होल्ड सोसाइटी टुगेदर. दुर्खिम के अनुसार समाज को क्या बांधे रखता है? इकोनॉमिक फैक्टर्स बांधे रखते हैं, ऑप्शन वन. ऑप्शन बी है कल्चरल फैक्टर्स, सोशल सॉलिडारिटी या पॉलिटिकल फैक्टर्स. किसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू दुर्खिम? तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल सॉलिडारिटी. ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. दुर्खाइम कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी रेफर्स टू, ऑप्शंस आर द फीलिंग ऑफ, वन मिनट. ऑप्शन वन ए है द फीलिंग ऑफ डिसकनेक्टेडनेस इन सोसाइटी. बी है द एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बाई सोसाइटी. सी है द रैपिड चेंज एंड लैक ऑफ सोशल नॉर्म्स. और डी है द डोमिनेंस ऑफ वन सोशल क्लास ओवर अदर्स. इसका आंसर जो है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द रैपिड चेंज एंड लैक ऑफ सोशल नॉर्म्स. ओके, दैट इज एनोमी. Now next question is, which of the following is not a type of suicide as classified by Durkheim? Options are altruistic suicide, egoistic suicide, fatalistic suicide or revolutionary suicide. Bahut easy hai. Answer is option number D, revolutionary सुइसाइड. जैसा कुछ भी नहीं बोला था डरखाइम ने. आप कमेंट करके बताएंगे कि फोर्थ वन कौन सा है. नेक्स्ट चलते हैं. डरखाइम स्टडी ऑन सुइसाइड कंक्लूडेड दैट सुइसाइड रेट्स आर प्राइमरली डिटरमिनेड बाय इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर सोशल फैक्टर्स हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन सुइसाइड रेट्स. ऑप्शन सी सोशल इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन इन्फ्लुएंस सुइसाइड रेट्स या फिर सुइसाइड रेट्स आर सोनली इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक कंडीशंस. बहुत इजी है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सोशल इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन. देखिए जब मैंने एक वीडियो बनाई है सुइसाइड पर, ऑन दुर्खाइम सुइसाइड थ्योरी, उसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट में बट बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि व्हाट इज सुइसाइड थ्योरी, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सुइसाइड विच इज गिवन बाय दुर्खाइम, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, दुर्खाइम पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज. जो दुर्खिम का पर्सपेक्टिव था रिलीजन पर, धर्म पे, वो क्या डिस्क्राइब करता है? इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इट सर्व एज अ टूल फॉर सोशल कंट्रोल एंड कोहेजन, या फिर इट हैज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, एंड ऑप्शन डी इट इज द रूट कॉज ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट. ये भी बहुत ईजी है.
तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इट सर्व्ड एज अ टूल फॉर सोशल कंट्रोल एंड कोहेजन. तुर्किन बोलते हैं कि जो रिलीजन है वो कैसा रोल प्ले करता है सोसाइटी में, तो ये सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल और कोहेजन को लेकर आता है. नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दुर्खिम व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एडुकेशन. दुर्खिम के अनुसार जो शिक्षा है उसका प्राथमिक कार्य क्या है, टू ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज, टू ट्रेन इंडिविजुअल फॉर स्पेसिफिक करियर, टू प्रमोट सोशल इनइक्वालिटी या टू एनफोर्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज टू ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एडुकेशन. नाउ द अब हम शुरू करने वाले हैं ऑन द कार्ल मार्क्स के ऊपर एमसीक्यूज. नाउ क्वेश्चन नंबर वन, कार्ल मार्क्स इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रक्चरलिज्म. इजी आंसर, इजी क्वेश्चन है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी. नाउ ऑप्शन टू, क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ हिस्टोरिकल चेंज. आइडियोलॉजी, रिलीजन, क्लास स्ट्रगल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. क्या आंसर होगा इसका? सो आंसर इज द क्लास स्ट्रगल विच इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स. नाउ कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन, वन मिनट, एलियनेशन रेफर्स टू फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम वंस कम्युनिटी, फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम वंस ओन लेबर, फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम पॉलिटिकल पावर या फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम फैमिली. क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम ओन लेबर. नाउ कार्ल मार्क्स आर्ग्यू दैट द कैपिटलिस्टिक सिस्टम वुड इंटरली लीड टू इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल हारमोनी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस रिवाइवल. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट. Now next is, according to Marx, who control the means of production in a capitalist society? The bourgeois, the proletariat, the government, the religious institutions. क्या आंसर होगा इसका? The answer इसका हो जाएगा the bourgeois. Okay. Now, Marx's theory of surplus value refers to the excess profit generated by small businesses, the additional value produced by workers beyond their own wages, या फिर option C, the value of goods and services in excess of their production cost, या फिर the profits gained through international trade. क्या answer होगा इसका? तो इसका answer हो जाएगा the additional value produced by the workers beyond their own wages, that is called the surplus value. Okay. Now Marx believed that the state, ऑप्शन ए, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सोशल क्लासेस, इज कंट्रोल बाय द प्रोलेटरिएट, या फिर ऑप्शन सी, फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास. क्या आंसर होगा इसका? द स्टेट इज रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास. ऑप्शन डी उसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा. मार्क्स विजन ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी इज नोन एज. मार्क्स का जो विजन था कि अगर क्लासलेस सोसाइटी होगी तो उसे क्या बोला जाएगा, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म या सोशलिज्म? क्लासलेस सोसाइटी. तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज कम्युनलिज्म. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं मैक्स वेबर. अब मैक्स वेबर से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं. मैक्स वेबर इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, रैशनलाइजेशन इन ब्यूरोक्रेसी या फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी. तो मैक्स वेबर किसके लिए जाने जाते हैं? तो मैक्स वेबर से जो रिलेटेड है यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैशनलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेसी. वेवर कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोटेस्टेंट एथिक रेफर्स व्हाट? ऑप्शन ए, द राइज ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म इन यूरोप, बी, द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन इकोनॉमिक बिहेवियर, या फिर सी, द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू इन मॉडर्न सोसाइटी, या फिर डी, द रोल ऑफ स्पिरिचुअल इन सोशल मूवमेंट्स. क्या होगा आंसर? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन इकोनॉमिक बिहेवियर. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वेवर, व्हाट इज द सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, रैशनलाइजेशन, क्लास स्ट्रगल या सोशल सॉलिडैरिटी? आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैशनलाइजेशन. वेवर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब इन सब में से कौन सी चीज़ है जो ब्यूरोक्रेसी में इंक्लूडेड नहीं है? हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स, पर्सनल लॉयल्टी टू लीडर्स या डिवीजन ऑफ लेबर? क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा सी, पर्सनल लॉयल्टी टू लीडर्स. ठीक है. नेक्स्ट, वेवर आइडियल टाइप इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल फेनोमेना या फिर अ स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ सोशल बिहेवियर या फिर अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट यूज्ड फॉर एनालिसिस या फिर अ कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल केस स्टडी? क्या होगा आइडियल टाइप? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट यूज्ड फॉर एनालिसिस. नेक्स्ट इज, मैक्स वेबर थ्री डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंक्लूड. मैक्स वेबर का जो तीन डायमेंशन था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पर, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कास्ट, रेस, जेंडर, वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, एडुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, एज, जेंडर, एथनिसिटी. तो इसमें जो आ जाएगा दैट इज बी, वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज. नेक्स्ट है, मैक्स वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ चरिस्मैटिक अथॉरिटी रेफर्स व्हाट? ऑप्शन ए, अथॉरिटी बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल एंड कस्टम. ऑप्शन बी, अथॉरिटी बेस्ड ऑन लीगल रूल्स एंड प्रोसीजर्स. ऑप्शन सी, अथॉरिटी बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिटीज एंड कैरिश्मा. या ऑप्शन डी, अथॉरिटी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पावर. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, authority based on personal qualities and charisma, that is called charismatic authority. According to Weaver, what is the main motivation for bureaucratic behavior? Personal gain, ideological commitment, rational calculation, emotional attachment. तो जो bureaucratic behavior है उसका main motivation है that is rational calculation. तो ये थे हमारे कुल क्वेश्चन ऑन कार्ल मार्क्स, इमैनुअल डर्खाइम एंड मैक्स वेबर. सो दीज क्वेश्चन आर कम्स फ्रॉम यूनिट फर्स्ट ऑफ यूजीसी नेट सिलेबस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.